नमस्कार, मैं हूं शमशेर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में फिलहाल कुछ ही दिन पहले एक बड़ा हादसा घटित हुआ था। आप सभी को इस हादसे के बारे में बखूबी जानकारी है। जी हां, हम रीता शाह के बारे में बात कर रहे हैं। रीता शाह का मामला जो है, जिसमें परिजनों द्वारा आरोप भी है कि उनके द्वारा जो कंप्लेन, जो शिकायतें थाने तक पहुंचाई गई थी, तो थाने से लापरवाही की गई थी। और इन सभी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो एक छोटा टुकड़ी होता है, जो छोटा एक अंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी विधायक जो है वो भाजपा के हैं। मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो भी भाजपा की है और केंद्र में जो सरकार है वो भी भाजपा की है। शासन पे पूरी तरह भाजपा बैठी है, तो इसी का एक अंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और रीता शाह के मामले को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शांत नहीं बैठा और वो इस तरह से अपना जो आंदोलन है, जो अंदर की भड़ास है, उसे निकालने वह पहुंचा कि अपने ही क्षेत्र की और अपने ही सांसद रीति पाठक के विरोध में काफी कुछ कह डाला। और ये कहना जो था ये जायज भी था, क्योंकि हमारे सिंगरौली जिले में दो दो जो महिलाएं हैं, जो बड़े नेता है, एक है सांसद और दूसरी हमारी महापौर, और जो महापौर है प्रेमवती खैरवार और सांसद हमारी रीति पाठक, इन दोनों के द्वारा अभी तक कोई भी एक कदम इस केस की ओर नहीं देखा गया है। दोनों ही महिला होकर के इतने बड़े हादसे में अगर मौन बैठी है, शांत बैठी है, तो सवाल तो जायज है। हम आपको मामले की गंभीरता की ओर लेकर चलते हैं। बैढ़न की शासन पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम मकरोहर में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को जिला मुख्यालय बैढ़न क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तुलसी मार्ग से निकाला गया। इस दौरान किशोरी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। मौके पर जिला संयोजक सुशांत विक्रम सिंह, ब्लॉक प्रमुख अशोक शाह, जिला संयोजक पूर्णिमा सिंह, संजय और राहुल महाजन समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय लोग शामिल रहे। लोगों में इसका आक्रोश साफ देखा जा रहा है, पर इसमें अभी पता नहीं प्रशासन की क्या भूमिका है। प्रशासन क्यों इस पर अभी कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है और किसी प्रकार की इस पर कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है कि अपराधी कहां है, क्यों नहीं पकड़ में आ रहे और मामला क्या है। इस मामले की गंभीरता बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो आए दिन ट्वीट और फेसबुक पर पोस्टर्स, जो भी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध किया जा सकता है, वो विरोध भी जाहिर है और जमीनी स्थल पर भी इसका जो विरोध है वो लगातार जारी है। धन्यवाद। एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर, विस्लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है। पता है पुरानी मार्केट सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।